उसके बारे में, और लिंसिड और टर्पेंटाइन का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम अपने ऑयल पेंटिंग में, उसके बारे में इस वीडियो में बात। ये कैमलिन के ऑयल कलर्स है, आर्टिस्ट क्वालिटी के 12 ml के। इसका प्राइस 400 rupees है। और ये ब्रस्टों के A5 साइज़ के पेपर शीट हैं। और कुछ ब्रशेस चाहिए। ये लिंसिड ऑयल है, 100 rupees का आता है ये। और ये टर्पेंटाइन ऑयल है, ऑयल पेंटिंग में इसका यूज़ करना है। और कुछ रफ क्लॉथ और टिश्यू पेपर चाहिए पेंट को वाइप करने के लिए। और ये पैलेट है जो मैंने घर पे बनाया है। अब एक ऑयल पेपर शीट लेंगे। और ये कलर्स में कौन कौन से शेड्स हैं वो मैं बताती हूँ आपको स्वॉच करके। कलर को ब्लेंड कैसे कर सकते हैं इजीली, लिंसिड ऑयल और टर्पेंटाइन का यूज़ करके, मैं वो बताती हूँ। पहले मैंने वाइट कलर लिया है और पर्शियन ब्लू कलर लिया है। और मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी और थोड़ा सा टर्पेंटाइन अपने पैलेट पे निकाल लो और उसमें थोड़ा सा लिंसिड ऑयल, दोनों को मिक्स करके उसको उस मीडियम को यूज़ कर सकते हैं हम ऑयल पेंटिंग में। मैंने यहाँ पे दोनों को मिक्स करके अभी वो स्टार्ट किया है कलर करना। ब्रश को क्लीन करने के लिए टर्पेंटाइन का यूज़ करते हैं। और मैंने अभी थोड़ा सा वाइट कलर लिया है
वाइट और ब्लू को मिक्स करके मैं ये मिड कलर लगा रही हूँ बीच में। 50% टर्पेंटाइन और 50% लिंसिड ऑयल को मिक्स करके आप ये मीडियम बना सकते हो। ऑयल पेंटिंग की एक लेयर ड्राई होने में 2 से 3 दिन लगता है जब आप लिंसिड ऑयल और टर्पेंटाइन का यूज़ इक्वल क्वांटिटी में करते हो। अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, आपको बताने के लिए कि ऑयल पेंटिंग कैसे ईजिली ब्लेंड हो जाता है इसमें। यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और ये मैंने नंबर दिए है, डार्क ब्लू को 1 और मिड वाले को 2 और वाइट को 3 नंबर दिया। पर्शियन ब्लू में मैं थोड़ा सा मीडियम यूज़ कर रही हूँ ईजीली ब्लेंड करने के लिए। अब मैंने डायरेक्टली पर्शियन ब्लू कलर लगाया है पहले स्टार्टिंग लेयर में। अब मैं पर्शियन ब्लू में थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करके उससे अप्लाई करूँगी। हमारा जो भी सब्जेक्ट रहता है उसके एक साइड पे शेडो पड़ रहा है इसमें सर्कल पे, तो इसके लिए इसके ये अपोजिट साइड में ज़्यादा डार्क है और जो ऊपर के लेयर होते रहेंगे धीरे धीरे वो लाइट होते रहेंगे, तो उसी ब्लू में थोड़ा सा वाइट ऐड करते जाना है। एक रफ क्लॉथ का यूज़ करके एक्सेस पेंट आप उससे वाइप ऑफ कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश के ज़्यादा यूज़ होते हैं ऑयल पेंटिंग में, राउंड ब्रश के इतने यूज़ नहीं होते, सिर्फ डिटेलिंग में राउंड ब्रश का यूज़ किया जाता है ऑयल पेंटिंग में, इसीलिए सबसे ज़्यादा फ्लैट ब्रश का ही यूज़ होता है ऑयल पेंटिंग में, क्योंकि वो ईजिली ब्लेंड कर पाता है कलर को। अभी मैंने थोड़ा सा लाइट ब्लू में और थोड़ा सा वाइट ऐड किया है, यह हमारा जहाँ पर लाइट पड़ रहा है मेन वहाँ पर हमें थोड़ा सा वाइट ही थोड़ा एरिया रखना है, वाइट और थोड़ा सा ब्लू कलर मिक्स करना है उसमें। हमारे सब्जेक्ट पे जो साइड से लाइट पड़ रही है सिर्फ वही एरिया ज़्यादा लाइटेड रहता है और बाकी एरिया जो पे लाइट नहीं आ रही है वो थोड़ा डार्क रहता है, और फिर उसके बाद में हम शेडो क्रिएट करेंगे। ये मैं लिंसिड ऑयल में अपना ब्रश क्लीन कर रही हूँ। ये कलर ऑयल पेंटिंग ईजीली ब्लेंड हो जाते हैं, ये जल्दी ड्राई भी नहीं होते, तो आप ईजीली कलर मिक्स कर सकते हो अपने पैलेट पर। हाइलाइटेड एरिया पर थोड़ा सा कलर किया है जो मेन हाइलाइटेड एरिया, और अभी मैं शेडो क्रिएट करूँगी। थोड़ा सा पर्शियन ब्लू कलर लेना है पहले, जो हेड पे ज़्यादा शेडो पड़ रहा है, मेन डार्क एरिया होता है सबसे ज़्यादा वो, तो वहाँ पे डायरेक्टली पर्शियन ब्लू कलर लगाना है, और उसके बाद में थोड़ा सा वाइट ऐड करके उसमें पर्शियन ब्लू में उसको थोड़ा सा ब्लेंड करते जाना है आगे की तरफ। अभी मैं फिर से पर्शियन ब्लू कलर लगा रही हूँ, डार्क से लाइट की तरफ जाना है धीरे धीरे शेडो एरिया में। मैंने थोड़ी सी लाइट ब्लू में और थोड़ा व्हाइट ऐड किया है। अभी मैं कलर्स को नंबर दे रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा डार्क है उसको 1 और उससे लाइट लाइट होते होते नंबर बढ़ते जाएंगे। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।